स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम जैकोबियन की एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है। इफ़ एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई, जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, देन एवेल्यूएट करली एफ जी ओवर करली एक्स वाई। क्लियर? एफ आपको फंक्शन गिवन है और जी आपको फंक्शन गिवन है। एफ और जी फंक्शन किसके हैं? एक्स एंड वाई के फंक्शंस हैं, ठीक है। तो आपने उसका जैकोबियन निकालना है, करली एफ जी ओवर करली एक्स वाई। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल लेते हैं। तो f के पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y? क्या आएगा? करली f और करली x क्या आ जाएगा? 2x। करली f और करली y क्या आ जाएगा? माइनस टू, ठीक है। ऐसे ही g के हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। तो क्या आ जाएगा, करली g और करली x इज इक्वल टू 1, और करली g और करली y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो जैकोबियन आपका किसके इक्वल होता है, करली एफ जी ओवर करली एक्स वाई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ करली एफ ओवर करली एक्स, करली एफ ओवर करली वाई, करली जी ओवर करली एक्स, करली जी ओवर करली वाई, ठीक है। अब यहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यूज डाल देंगे। तो डालने के बाद आपने क्या निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि करली एफ और करली एक्स कितना आ रहा था, 2x। करली एफ और करली वाई कितना आ रहा है, माइनस टू। करली जी और करली एक्स 1 आ रहा है, करली जी और करली वाई 1 आ रहा है, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 2। ये आपका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2। इफ़ यू 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स 2 इंटू एक्स 3 ओवर एक्स 1, ठीक है। यू 2 क्या गिवन है, एक्स 3 इंटू एक्स 1 ओवर एक्स 2, एंड यू 3 इज इक्वल टू एक्स 1 एक्स 2 ओवर एक्स 3, देन फाइंड करली यू 1 यू 2 यू 3 ओवर करली एक्स 1 एक्स 2 एक्स 3, ठीक है। यहाँ पे अब आपके पास तीन फंक्शंस गिवन है, यू 1 यू 2 यू 3, क्लियर। ये फंक्शन किसके हैं, इसमें कौन से वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक्स 1 एक्स 2 एक्स 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने इसका जैकोबियन निकालना है। तो u1 आपके पास क्या है, x2 इंटू x3 ओवर x1, u2 इज इक्वल टू x3 x1 ओवर x2, u3 इज इक्वल टू x1 x2 ओवर x3, ठीक है। तो जैकोबियन आपका इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीन फंक्शंस आ रहे हैं, तीन ही वेरिएबल्स हैं। तो आपके पास डिटर्मिनेंट आएगी, कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स बनेगी, यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी, उसका आपने डिटर्मिनेंट निकालना है, क्लियर। तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट करली यू 1 ओवर करली एक्स 1, करली यू 1 ओवर करली एक्स 2, करली यू 1 ओवर करली एक्स 3। ऐसे ही सेकेंड रो में क्या आएगा, करली यू 2 ओवर करली एक्स 1, करली यू 2 ओवर करली एक्स 2, करली यू 2 ओवर करली एक्स 3। थर्ड रो में क्या आएगा, करली यू 3 ओवर करली एक्स 1, करली यू 3 ओवर करली एक्स 2, करली यू 3 ओवर करली एक्स 3। डन। अब हम क्या करेंगे, इसके पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। पहले यू 1 के पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव, ये आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि x2 x3 आपके एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, 1 बाई एक्स 1 आ रहा है, तो उसका डेरिवेटिव आप करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, माइनस 1 ओवर x1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और x2 x3 वैसे के वैसे आ जाएंगे, क्लियर। तो फर्स्ट आपके पास ये वाली वैल्यू बन गई, माइनस x2 x3 ओवर x1 स्क्वायर, डन। और करली u1 ओवर करली x2 क्या आ जाएगा, x3 और x1 एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x2, तो कितना आ जाएगा, x3 ओवर x1। नेक्स्ट करली u1 ओवर करली x3 कितना हो जाएगा, x2 ओवर x1। सिमिलरली आप सारे इसके डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब u2 का निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3, फिर u3 का निकालेंगे, तो ये आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगी, ये आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करी हुई हैं, प्लस टू में आप पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अब फर्स्ट रो में से मैंने क्या करा, 1 बाई एक्स 1 स्क्वायर कॉमन निकाला, सेकेंड रो में से एक्स 2 स्क्वायर कॉमन निकाला, थर्ड रो में से एक्स 3 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, मिस्टेक है, 3 नहीं आएगा, ठीक है, स्क्वायर आ जाएगा, कॉमन निकाल लेंगे, क्लियर। कॉमन निकालने के बाद आपके पास ये बन जाएगा 1 बाई
एक्स वन स्क्वेयर एक्स टू स्क्वेयर एक्स थ्री स्क्वेयर इन टू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस एक्स टू एक्स थ्री एक्स थ्री एक्स वन एक्स टू एक्स टू एक्स थ्री माइनस एक्स वन एक्स टू एक्स टू एक्स थ्री एक्स वन माइनस एक्स वन एक्स टू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में से क्या कॉमन निकाल रहे हैं, एक्स टू एक्स थ्री कॉमन निकाल दिया। अब सेकेंड कॉलम में से एक्स वन एक्स थ्री कॉमन आ जाएगा, फिर थर्ड कॉलम में से एक्स वन एक्स टू कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास क्या बन गया, एक्स टू इंटू एक्स थ्री इंटू एक्स थ्री इंटू एक्स वन इंटू एक्स वन एक्स टू ओवर एक्स वन स्क्वेयर एक्स टू स्क्वेयर एक्स थ्री स्क्वेयर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस वन 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 माइनस वन 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 माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये क्या बन रहा है, एक्स वन का स्क्वेयर एक्स टू का स्क्वेयर एक्स थ्री का स्क्वेयर ओवर एक्स वन स्क्वेयर एक्स टू स्क्वेयर एक्स थ्री स्क्वेयर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये वाली डिटर्मिनेंट से हम यहाँ पे कैसे पहुँचे, हमने ऑपरेशन अप्लाई करें, कौन से ऑपरेशन अप्लाई करें हैं, यहाँ पे आर टू अप्रोचेस टू आर टू प्लस आर वन। ठीक है, ये ऑपरेशन हमने अप्लाई करा है इसके ऊपर, ऐसी आर थ्री अप्रोचेस टू आर थ्री प्लस आर वन, ये हमने ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। क्लियर, ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद आपके पास ये बन जाएगा। क्लियर, अब इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, डिटर्मिनेंट निकालने के बाद आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर थ्री, इफ़ एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई एंड जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा देन फाइंड करली एक्स वाई जेड ओवर करली आर थीटा फाई। ठीक है, अब एक्स वाई जेड आपके क्या हैं, फंक्शन ऑफ आर थीटा फाई है, तो आपने इसका जैकोबियन निकालना है। क्लियर, तो आपके पास x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, z की वैल्यू गिवन है। क्लियर, तो जैकोबियन किसके इक्वल बनेगा आपके पास, करली x और करली r, करली x और करली थीटा, करली x और करली फाई, करली y और करली r, करली y और करली थीटा, करली y और करली फाई, करली z और करली r, करली z और करली थीटा, करली z और करली फाई। ठीक है, अब आप इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं, x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r तो कितना बन जाएगा, साइन थीटा कोस फाई। क्लियर, अब x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो r कोस फाई वैसे के वैसे आएंगे, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट करली x और करली फाई निकालना है, ये कितना बनेगा, r साइन थीटा वैसे का वैसे, कोस फाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन फाई, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप बाकी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप सारे पार्शियल डेरिवेटिव निकालने के बाद आपके पास ये बन जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, अब जो सेकंड कॉलम है उसमें से हमने क्या कॉमन निकाला, आर कॉमन निकाला है। ठीक है, आर कॉमन निकाला और थर्ड कॉलम में से आर साइन थीटा कॉमन निकाल रहे हैं, तो मेरे पास क्या बन गया, आर इंटू आर साइन थीटा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ साइन थीटा कोस फाई कोस थीटा कोस फाई माइनस साइन फाई साइन थीटा साइन फाई कोस थीटा साइन फाई कोस फाई कोस थीटा माइनस साइन थीटा जीरो। ठीक है, अब यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, थर्ड कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग हम इसको क्या करें, एक्सपेंड कर रहे हैं, सॉरी थर्ड रो के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या करें, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, आर थ्री के कॉरस्पॉन्डिंग मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहा हूँ, वो आप निकाल सकते हो इसका, तो आपके पास ये निकालने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा आर स्क्वेयर इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, ये आप कर सकते हैं। क्लियर, बाकी एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।